ध्यान से सुनो, क्या सीख रहे हैं? हेडिंग है हमारी, अ जनरल स्टडी ऑफ किसके, किसकी स्टडी? पोटेंशियल एनर्जी कर, समझ गए? भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो करते हैं, जनरल स्टडी क्या है, इसकी स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप पोटेंशियल एनर्जी की स्टडी कर रहे हो, मतलब पार्टिकल पार्टिकल के पास जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव ही होगा, है ना? नॉन कंजर्वेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना। यस सर। चलो भाई ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैं मानूंगा ई। क्या होगा भैया? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई, ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली प्लस बी, काइनेटिक एनर्जी के और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, है कि नहीं? हाँ सर। क्या तुम्हें पता है कि पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन होता है? पोजीशन का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन का फंक्शन हो जाएगा हमारा। अब देखो, और ये क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, अब एक दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ, क्या काइनेटिक एनर्जी, इसका पूरा क्वेश्चन जो पूरा मैं सिखा रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है, विशेष बात ये है, पहली बात ये विशेष है और दूसरी बात ये जो लिख रहा हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। इन दो बातों पे पूरा एनालिसिस डिपेंड करेगा हमारा। अब थोड़ा सा और इसी में मैं ग्राफ तो बाद में बनाऊंगा, पहले मैं तुम्हें सब चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, तो पहले तो इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है। 840 यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, ट्रांसलेशनल एक्चुअली में दो टाइप का होता है इक्विलिब्रियम, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल। तो हम लोग तो अभी ट्रांसलेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ सर। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, तो सबसे पहले तो इसी का कंडीशन बता दो। 840 बस सही है ना? हाँ। अच्छा अब ये बताओ भैया, हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो लगेगा इसमें और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बराबर? -du/dh। मैं एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को मान रहा हूँ चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। वैसे होता है एफ बराबर -du/dr होता है, लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है? तो नंबर एक बात ये, दूसरी बात, पहली बात में ये दोनों चीजें, दूसरी बात में ये दोनों चीजें, ठीक है? ओके बेटा। यस सर। अब थोड़ा देखो, आप थोड़ा समझो। आप, मैंने बोला एफ नेट जीरो, बट एफ बराबर क्या था? -du/dx। ये क्या चाहिए हमें? जीरो।
f बराबर माइनस du बाय dx. सो वी कैन से f बराबर माइनस du बाय dx बराबर क्या जीरो. ये कंडीशन है किसकी? इक्विलिब्रियम की. इक्विलिब्रियम. कोई समस्या नहीं. मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी का आप कर्व बनाओगे x के साथ, दस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व होगा जीरो. शुड बी जीरो. अब यार स्लोप में प्रॉब्लम है भैया. ये देखो, मान लो यू एक्स ग्राफ ये है, यहां पे स्लोप जीरो है. ये भी तो हो सकता है, तो यहां भी स्लोप जीरो है कि नहीं? हाँ. यहाँ पे देखो, ये भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है और ये भी डी यू बाई डी एक्स जीरो है. ग्राफ कहाँ है? चलो सीन बना ही दे रहे हैं. ये क्या है? एक्स. और ये क्या है? यू. अब हम कैसे पहचाने कि देखो ये दोनों इक्विलिब्रियम है, मतलब यहां पे भी इक्विलिब्रियम होगा. कितने पे? एक्स बराबर एक्स वन. और यहां पे भी इक्विलिब्रियम है. एक्स बराबर एक्स टू. अब हम ये कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है? समझ रहे हो ना? अब थोड़ा देखो बेटा ध्यान से. अच्छा एक बात बताओ, मान लो एक बॉडी यहां पे रखी हुई है, यहां पे रखी हुई है, मैं कह रहा हूं रेस्ट में रखी हुई है, ठीक है? यस सर. अच्छा इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं यहां पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा या मिनिमा होना चाहिए. क्यों भाई? इक्विलिब्रियम पे और इन इक्विलिब्रियम वी विल गेट. अरे बोलो ना यार. मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी यू. अब यही बस समझना है हमें. देखो तो ये मैक्सिमा है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि नहीं? यस सर. मिनिमा है, ये भी तुम्हें दिख रहा है. अच्छा कोई बता सकता है कॉनकेविटी कहां पे चेंज होती है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे क्या विशेष होता है? कॉनकेविटी चेंज होती है. हाँ हाँ, तो पहचानते कैसे हैं भाई? जो यू, इसका यू एक्स ग्राफ है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव जीरो होता है. डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर जीरो. समझ गए कि नहीं? हाँ सर. आपको याद है क्या? तुम्हें याद है वो दिन जब हम तुम्हें बताया करते थे क्या कि इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के इस तरफ देखो जहां पे कॉनकेव डाउन होता है, यहां पूरे में सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, याद है? हाँ सर. और इस साइड सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. हाँ. तो ये मैक्सिमा है. सेकेंड डेरिवेटिव वहां जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, सॉरी यहां पॉजिटिव होगा और यहां नेगेटिव होगा. हाँ यही तो बोला मैंने. तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, तभी तो ये मैक्सिमा है यू का. हाँ सर. नहीं समझे? आप देखो अब आएगा मजा. सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, x बराबर कहाँ पे? x1 पे.
एक्स वन पे एक पार्टिकल रखा, ध्यान देना एफ बराबर क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। अच्छा यहां पे फोर्स कितना होगा? जीरो। अगर मैं तुमसे कहूं इस पॉइंट पे अगर मैं मतलब पार्टिकल को कहां डिस्प्लेस कर दूं थोड़ा सा एक्स वन के पहले, बोलो एक्स वन के पहले अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं तो यहां फोर्स की डायरेक्शन बताओ क्या होगी? अरे नेगेटिव होगी। यहां स्लोप देखना है यार, डी यू बाई डी एक्स देखना है, तो यहां डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स, एफ में आगे माइनस है तो फोर्स कहां होगा? नेगेटिव में। नेगेटिव मतलब ये कि अगर तुम पार्टिकल को एक्स बराबर एक्स वन से लेफ्ट में ले जाते हो समझे, तो फोर्स कहां लगेगा पार्टिकल पे? पीछे पीछे इस तरफ। नेगेटिव में बोलो ना यार, नेगेटिव में लगेगा। मतलब तुम यहां से यहां पार्टिकल रखा हुआ था उस पे नेट फोर्स जीरो था, तुमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया तो पार्टिकल वहीं भाग जाएगा, बोलो। अच्छा अगर तुम थोड़ा सा एक्स वन के राइट में शिफ्ट कर दो पार्टिकल को, यहां से थोड़ा यहां मतलब इस साइड कर दो, तो देखो स्लोप कैसा है यहाँ पे? नेगेटिव है, तो ये फोर्स कैसा आएगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहां पार्टिकल रेस्ट में था, उस पे फोर्स जीरो था, तुम अगर इसको राइट में शिफ्ट करोगे तो वो राइट में ही भाग जाएगा, और अगर तुम लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो लेफ्ट में भाग जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा अब थोड़ा इस पे गौर करो, इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल एक्स बराबर एक्स टू पे होता और अगर तुम इसको थोड़ा सा कहां यहां शिफ्ट करते, तो देखो यहां स्लोप नेगेटिव है। मतलब इस तरफ फोर्स लगेगा, और यहां देखो अगर तुम पार्टिकल को इस पॉइंट से राइट में शिफ्ट करते तो देखो यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। नेगेटिव। देखा इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में एक समानता है कि यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आप इस पॉइंट के किसी भी तरफ शिफ्ट करोगे पार्टिकल को और छोड़ दोगे तो पार्टिकल उसी डायरेक्शन में भाग जाएगा, वापस इस पॉइंट पे नहीं आएगा। लेकिन इसमें देखो तुम कहीं भी ले जाओ, इस राइट में ले जाओ चाहे लेफ्ट में ले जाओ, लेकिन पार्टिकल की टेंडेंसी है वापस आने की। तो ये जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे एफ नेट जीरो है, एफ नेट क्या है? जीरो है। ये इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी एफ नेट जीरो है, देखो ना डी यू बाई डी एक्स जीरो है, दोनों में इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल कौन सा है? नीचे वाला राइट साइड में। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर। एक्स टू पे ना सर, मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों है कि नहीं? हैं? हाँ। एक बात और समझो, तो पहचान क्या है? पहचान ये है पहले तो इक्विलिब्रियम की क्या है, डी यू बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, सही है? हाँ। अगली बात, ये डायग्राम जरूरी थोड़ी कि तुम्हें डायग्राम मिले, मान लो इक्वेशन दे दी उसने, मैंने बोल दिया यू बराबर 3x² - 4x, बताओ अब स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो क्या करोगे? पहला स्टेप, पहला स्टेप बोलो सब लोग, यू बाई डी एक्स जीरो करोगे, है ना? मतलब फोर्स जीरो करोगे, है कि नहीं? तो ये दो पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम है। उनका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और सेकंड डेरिवेटिव में दोनों जो वैल्यूज आई थी इक्विलिब्रियम वाली वो डालोगे एक्स की वैल्यूज, जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहां पे वो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो लेस देन जीरो, और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। पहले ये बताओ इसका पूरा मतलब डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, ये पूरा डिटेल खत्म हो गया पूरा, समझ में आया? अब इसको मैंने देखो ऐसे लिख दिया है तुम्हें, ठीक है इसी में बना दिया, अब तुम्हें क्या करना है?
हाँ मैंने तो ये लिख दिया, अब तुम क्या करोगे इस अगली हेडिंग, इसके बाद हेडिंग डालोगे, क्या डालोगे हेडिंग बोलो? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे? द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा मिनिमा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बोलो ना। हाँ सर। वेयर वेयर डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, समझ गए? और इसमें लिखना एट एक्स बराबर एक्स टू, ये मैंने प्रैक्टिकली समझाया तुम्हें, ये एफ नेट, समझे? जबकि अब मैथमेटिकली हम देखेंगे तो ये ऐसा करना पड़ेगा आपको पूरा, समझे? हाँ सर। तो ये स्टेबल के लिए लिखना पूरा, फिर अनस्टेबल के लिए लिखो पूरा, अब आपका काम है करो खुद, समझे? सर पिछले स्लाइड दिखा। अच्छा ये बताओ अभी लिखोगे, मैं तो मुझे एक बात और बतानी है बस। सर लिख लेते हैं ना, एकदम जल्दी से लिख लेते हैं। एक काम करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से आप लिखिए पहले, ठीक है? ओके। फिर मैं आज बता दूंगा, वो भी बता दूंगा, मतलब ग्राफ को रीडिंग कैसे करते हैं। हाँ 20 मिनट है सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व की रीडिंग। सर नेक्स्ट स्लाइड। रुको रुको, अच्छा कर्व रीडिंग के लिए ये जरूरी है, ये पूरा पता होना चाहिए। हो गया सर। सीधी बात है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यू मिनिमम, बोलो सब लोग एक बार। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यू मिनिमम, जहां पे यू मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, वहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, क्यों भाई? यस। अब आपने केमिस्ट्री में खूब सुना होगा, क्या सुना होगा तुमने, कि हर चीज इक्विलिब्रियम वो स्टेबल स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करती है। बहुत सुना है। तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करती कैसे है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम कर, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके। तो आज ज्यादा नेगेटिव कैसे हो जाता है ऐसा? पोजीशंस पे डिपेंड करता है। ये बात तुम्हें फील हुई जो बोलते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर दिया जाता है। हाँ, चार्जेस रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, तो जिधर मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। तो ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर है, फील हो गया।
डन सर डन सर चलो भाई ये लिखो पहले ये हेडिंग डाल के स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में लिखो जल्दी से मतलब इसका वो भी लिखना कि अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से पार्टिकल को किसी भी साइड डिस्प्लेस करें तो पार्टिकल टेंड्स टू कम बैक टू द स्टेबल पोजीशन समझे ये लिखना पूरा ओके हाँ हाँ पूरा लिखो डिटेल में जल्दी नहीं डिटेल लिखो पूरी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस में आता है इसका सर सर आता है और सर बोलो हम ऐसा लिख सकते हैं ना इफ यू कंटिन्यू टू डिस्प्लेस द पार्टिकल अवे फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम इट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम इट विल ट्राई टू कम बैक एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ओके थैंक यू सर लिख लिया सर लिख गया फिर सबका पूरा कंप्लीट हैं हाँ सर चलो भाई देखो अब एक वही अपने पास लगभग 20 मिनट हैं तो देख लेते हैं एक एनालिसिस जो स्टडी मैं कर रहा था जनरल स्टडी वो समझो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट देखो ये पोजीशन है एक्स और इस एक्सिस पे क्या लेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी यू किसका फंक्शन होगा एक्स का एक्स का एक्स का फंक्शन होगा अब देखो थोड़ा ध्यान से ये ओरिजिन है और यहां मैं टोटल एनर्जी मतलब यहां पे जो एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू मैं मान रहा हूं कि ये इसको मैं लिख रहा हूं चलो ई नॉट लिख देता हूं ठीक है इसको मैं लिख देता हूं E1 इसको मैं अच्छा ये एक बात और बेटा ये लिखने से पहले मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था ये चीज आपको यहां पे लिखनी है समझ गया ना यहां पे वो चीज लिखनी है ठीक E2 ये E3 बस अब थोड़ा सा ध्यान दो तो अब मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं जैसे कि पहला पॉइंट मैंने लिया अच्छा पहले कुछ लाइन ऐसे खींच लेते हैं देखो ऐसे ऐसे एक्चुअली ये बहुत ही शानदार चीज है शायद मुझे नहीं लगता बच्चे बहुत ही कम बच्चे इसको जानते होंगे ठीक है टोटली अच्छी चीज है इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा नहीं मिलता है आप बुक में भी देखोगे कहीं पे तो भी नहीं मिलेगा मतलब लिखा होगा लेकिन वो फील नहीं आएगा आपको तो चलो भाई देखते हैं मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूं तो एक पॉइंट मैंने लिया ये एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया ये तो ये वाला जो पॉइंट है ठीक है
इसको मैं मान रहा हूं एक्स कुछ भी मान लेंगे ठीक है, ये वाला पॉइंट कुछ ले लूंगा मैं ऐसे, तो ये ई थ्री पे हो गया, इसको मैं एक्स थ्री बोल देता हूं, ये ई टू पे है तो इसको मैं एक मिनट रुक जाना, एक पॉइंट मैं ले रहा हूं अभी ई टू पे, यहां पे नहीं ले रहा हूं मैं ठीक, यहां से क्रॉस करके यहां पे ले रहा हूं ई वन पे एक पॉइंट ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं एक्स वन। ओके बेटा, अब देखो इसी ग्राफ, मतलब एक ग्राफ बनाऊंगा अभी मैं, एक्चुअली में ग्राफ कैसे बनाऊंगा देखना, ऐसे ही ये आया देखो, ये ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ गया और यहां से ये पहुंचा ऐसे ठीक, फिर यही ग्राफ आगे जाएगा यहां ठीक है, और फिर ये ऐसे जाके यहां पे कहीं पे मैं फिर से इसका वर्टेक्स ले लेता हूं एक, समझ रहे हो ना, और फिर यहां पे एक वर्टेक्स ले लेता हूं और फिर इसी ग्राफ को देखो ऊपर आगे भगा दे रहा हूं ऐसे ठीक है, ये ठीक। अब इसका क्या मतलब क्या है इस ग्राफ का वो हमें समझना है, तो चलो भाई ये वाला पॉइंट देखो, ये ई नॉट को कट कर रहा है, इसको मैं एक्स नॉट बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट देखो किसको कट कर रहा है, देखो किसको है, ईवन को, ईवन, तो ईवन वाला हो चुका है, यहां पे ले चुका हूं मैं, तो यहां पे ले लेते हैं ठीक है, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट लिया ये कौन सा है, एक मिनट, ये एक्स नॉट पे आया मेरा ग्राफ और फिर ये गया कहां पे, यून पे, इस पे गया और फिर यहां गया, तो इस पॉइंट को मैं मान रहा हूं क्या एक्स टू, एक्स टू है ना, एक्स टू है हाँ। फिर आगे देखो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है, इसको भी वर्टेक्स है ना, ये तो लेना ही पड़ेगा हमें, तो इसको मैं कुछ, इसको कुछ लिख नहीं रहा हूं मैं, हटाओ इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे ठीक है, बस मुझे ये पता है कि ये पॉइंट या तो ये इक्विलिब्रियम है, ये पता है मुझे, समझ गए कि नहीं, एक ये वाला पॉइंट मुझे पता है, देखो एक्स नॉट और ये वाला पॉइंट, अच्छा वैसे देख के ही बता सकते हो, बताओ ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम है कौन सा है, स्टेबल के अनस्टेबल, अनस्टेबल है यार, अभी तो प्रूफ करके दिखाया है ना, हाँ सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला बताओ स्टेबल, स्टेबल स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वाला बताओ ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सही है ना, हाँ सर, चलो भाई अब चलते हैं आगे, तो सबसे पहले ये ग्राफ आप लोग बनाइए, नहीं बाद में बना लेना, तो मैं बता दूं, नहीं तो फिर मुझे बनाना पड़ेगा ग्राफ ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले मैंने वो बताया था जो लिखना है वो आप लिखना है यहाँ पे, क्लियर है सर, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कैसे, ये पहले दो पॉइंट, पूरा पेज, अच्छा ये हेडिंग भी, ये हेडिंग भी, पूरा पेज यहाँ पे लिखना है आपको यहाँ पे, समझ गए, ओके अब देखो पहला पार्ट सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको, एकदम खतरनाक चीज है, तो मैं मान लेता हूं कि इफ ई इक्वल ई नॉट इनिशियली ठीक है, अब बताओ भैया देखो मैं क्या कह रहा हूं, इनिशियली सबसे पहले इसकी एनर्जी कितनी है, ये ई मतलब टोटल एनर्जी के पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, टोटल, टोटल एनर्जी, मैं बोल रहा हूं कि टोटल एनर्जी कितनी है, देखो ये ई नॉट है, मतलब क्या ये ई नॉट यहां, अब देखो बेटा ग्राफ तो ये है ना पोटेंशियल एनर्जी का है,
मतलब पता है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो देखो इस पॉइंट पे कितनी है, E0 है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ये है, ये यहाँ पे ग्राफ में ये देखो पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी E0 है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी भी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसमें? जीरो 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 है। क्लियर है? यस सर। अच्छा अब पार्ट मतलब मजबूरी है। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई ये जीरो मतलब यहाँ पे मस्ट भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मस्ट भी जीरो, ये तो तुम समझ गए होगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब टोटल एनर्जी के बराबर हो गई तो काइनेटिक जीरो ही होगी, है ना? सर हाँ बोलो। एक डाउट था सर, वो एक्स नॉट और एक था ना स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ये वाला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, सबसे कम है, कम है हाँ, उससे ज्यादा है हाँ, ये वाला मोस्ट स्टेबल है हाँ, यस सर। चलो देखो इतनी बात समझ गए? हाँ हाँ समझ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इनिशियली यहाँ मैं समझो मैं क्या एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ तुम्हें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लॉजिक तो ठीक है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो जीरो। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, बोलो इसके मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, अब देखना ध्यान से थोड़ा देखना, इसके बाद आगे जाओगे ये पार्टिकल जब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है तो आगे जाएगा फिर यहाँ यहाँ वेलोसिटी है उसमें, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी है तो फिर आगे नहीं जाएगा, जाएगा कहीं भी जाएगा, तो जहां भी जाए पता है वहां पे देखो क्या हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से क्या हो गई? इंक्रीज हो रही। देखो ना यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है ना, और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी, एनर्जी तो कंजर्व है ना बेटा, हाँ है। यस सर। इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी थी, अब यहाँ देखो पार्टिकल वेलोसिटी है इसमें मैं बोल रहा हूँ, तो फिर यहाँ आ जाएगा पार्टिकल, और इस पॉइंट पे देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी से ज्यादा, टोटल एनर्जी से भी ज्यादा हो गई। देखो ना यहाँ पे जो टोटल एनर्जी E0 थी, पार्टिकल में वेलोसिटी है तो फिर वो यहाँ आएगा, और अगर यहाँ आ गया तो उसकी टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो गई, E0 से ज्यादा हो गई, मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी? नेगेटिव हो गई। नेगेटिव नेगेटिव होनी पड़ेगी तभी तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। हाँ मतलब समझे मैंने क्या बोला? हाँ सर। ये बोला मैंने यहाँ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी जीरो, अदरवाइज अदरवाइज पार्टिकल विल गो हेयर एंड देयर एंड इट्स एनर्जी दोनों साइड कहीं भी जाए, यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, दोनों साइड जाने पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी से इंक्रीज कर जाएगी, इट मींस काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी पड़ेगी, और वो हो नहीं मतलब वो स्टेबल में नहीं रहेगा सर, फिर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहेगी तो नहीं, स्टेबल होने का काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा ना कोई रिलेशन है, ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके बेटा समझ गए ना? हाँ समझा सर, समझा सर। ना मजा नहीं आया मतलब अभी इस मत में आया सर, मतलब आया परम कहाँ गए, चले गए का शायद, नेट खराब रहेगा सर। हाँ सर आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अच्छा है सर, वो उसका माइक भी ऑन है। चलो कोई बात ऐसे आवाज नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। तो देखो देखो मैं क्या बोल रहा था इनिशियली, देन द पार्टिकल विल बी एट रेस्ट एट पॉइंट एक्स नॉट अदरवाइज इफ
पार्टिकल हैज सम वेलोसिटी, पार्टिकल हैज सम काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल एक्स नॉट, देन एट अदर पॉइंट्स, बोलो एट अदर पॉइंट नेगेटिव, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन टोटल, ग्रेटर देन टोटल विल बी ग्रेटर देन टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सो देयर, सो एट दोज पॉइंट्स काइनेटिक एनर्जी एनर्जी विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव एट दोज, दैट इज नॉट पॉसिबल, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव, हाँ, व्हाइल इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. समझ गए सब लोग? यस सर. अब देखो, फर्स्ट पार्ट तो हो गया क्लियर, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं. कहां पे ई बराबर इवन, मान लो ई बराबर इवन, ठीक है इवन. अब भैया अगर ई बराबर इसकी एनर्जी कितनी है, ये है इवन है, तो सोचो क्या हो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, समझो इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इवन इवन टोटल एनर्जी के बराबर है, मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो जीरो. अब तुम यहां पे छोड़ दो इसको, अब तुम ये बताओ यहां फोर्स जीरो है क्या? नहीं है, नहीं. स्लोप है, देखो ना स्लोप लग है इसमें, मतलब तो अगर तुम यहां छोड़ोगे इस पार्टिकल को, मतलब एफ यहां पे फोर्स लग रहा है उस पे, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, रुका हुआ है, मान लो मैंने यहां पे रिलीज किया पार्टिकल, तो क्या होगा, अब फोर्स पॉजिटिव इसकी तरफ पॉजिटिव में जाएगा, इसका स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव इसकी तरफ, हां इसका स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा, मतलब पार्टिकल एक्स पर एक्स पे मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तब भी पार्टिकल भागेगा इस तरफ, और इस तरफ भागेगा तो मतलब x नॉट पे जाएगा, और जैसे ही x नॉट पे जाएगा तो क्या होगा, रेस्ट में आ जाए. सुनो पहले, अरे सुनो यार, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रेस्ट पे नहीं आएगा, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहाँ पे रेस्ट में नहीं आएगा, मैक्सिमम यहाँ फोर्स जीरो हो गया, सोचो ना यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ आया आया यहाँ आया आया नहीं, पार्टिकल को यहाँ देखना है, यहाँ चल रहा है पार्टिकल, समझे, ये तो ग्राफ है, तो ग्राफ में देखो आप पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ भाग रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे आने पे क्या होगा पता है तुम्हें, तो पोटेंशियल हो जाएगी E नॉट, और काइनेटिक बताओ कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, इवन माइनस E नॉट, इवन माइनस E नॉट, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ टोटल एनर्जी इवन थी और काइनेटिक जीरो थी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक मैक्स हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम ई नॉट हो जाएगी, समझ गए कि नहीं? हाँ सर. तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी इवन माइनस ई नॉट, तो क्या पार्टिकल रुकेगा? बिल्कुल नहीं, सबसे तेज नहीं, तो फिर पार्टिकल यहाँ जाएगा, देखो यहाँ जाएगा, और जैसे यहाँ जाएगा तो फोर्स देखो उल्टा हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव हो जाएगा ऐसे, तो स्लोप देखो स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये रिटायर्ड होते 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 फिर यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा, सुनो, जैसे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी इवन के बराबर होगी, समझे कि नहीं? हाँ. तो ये पार्टिकल क्या करेगा फिर, ये पार्टिकल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे झूलाओ, झूला नहीं झूलता रहेगा, यहाँ टू एंड एक्स एक्सिस पे करेगा वो, एक्स एक्सिस पे चल रहा है पार्टिकल, तो आई होप आप लोग आप समझे होंगे. अब अच्छा चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना बता, अच्छा पार्टिकल की यहाँ पार्टिकल की ये है एनर्जी, एक मिनट रुक जाना, ये है, ये वाली एनर्जी है पार्टिकल में, अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे इसकी कुछ है, देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी उसको, ये वाली जो भी हो ये कुछ होगा, हाँ. तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, अब तुम इसको यहाँ पे रिलीज कर दो, छोड़ दो, तो क्या ये यहाँ पे आगे यहाँ वहां जाएगा कहीं? नहीं, वहां नहीं, नहीं, नहीं जाएगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा वो. अच्छा अब एक बात बताओ,
क्या यहाँ पे मैं इस वो क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इस पार्टिकल के पास, बताओ? नहीं नहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं। कहाँ सर? यहाँ पे, यहाँ पे टोटल एनर्जी अगर टोटल एनर्जी के बराबर है तो नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी इसकी पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ ये वाली वैल्यू आएगी उसकी, हाँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये साथ में टोटल एनर्जी भी तो है, हाँ तो पूरी पी होगी टोटल, तो इसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा इसमें, हाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, बिल्कुल सही है। अब अगर सोचो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी होगी तो फिर क्या होगा? तो फिर वो राइट या लेफ्ट किधर तो भी जाएगा और कुछ पॉइंट पे की नेगेटिव आ जाएगी तो अपसेट रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वो यहाँ या यहाँ जाएगा और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होनी पड़ेगी, है ना? हाँ मतलब समझ रहे हो? हाँ सर। अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर पार्टिकल यहाँ है तो फिर यही रहेगा, वो हमेशा यही रहेगा, रेस्ट में रहेगा। चलो तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। हाँ सेकंड पार्ट बता दिया मैंने, कहाँ है सेकंड पार्ट? क्या बताया था? ई बराबर इवन से इवन, इवन वाला हो गया ये तो। चलो ई टू मान लो, अब ई टू अगर उसकी एनर्जी ई टू है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ऑसिलेट करता रहेगा वो ऐसे ऐसे। अरे बोलो ना, एक्स एक्सिस पे करेगा ना ऑसिलेट? हाँ हाँ एक्स एक्सिस पे ही बता रहा हूँ, वो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वो ग्राफ में ऐसे बता रहा हूँ बस, ऑसिलेट करेगा वो। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। सर एक बार वापस बोलिए ना, हैं ई टू वाला वापस बोलिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इसकी एनर्जी E2 है, कहाँ है ये है ना E2, तो E2 है तो फिर वो पार्टिकल यहाँ इस तरफ ये मतलब इस रीजन में ऑसिलेट कर सकता है, इस रीजन में, समझे? हाँ सर। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। E2, हाँ अब थोड़ा और देखो ध्यान से। अगर पार्टिकल की एनर्जी E2 है बेटा, और समझो ये E2 है, E2 वाला पॉइंट यहां भी तो मिलेगा एक, हाँ तो पार्टिकल फिर इस रीजन में भी तो चल सकता है, यहां यहां देखो। हाँ सर। समझ में? यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये है रीजन, इसको मैं लिख रहा हूं रीजन टू, और यहां लिख रहा हूं मैं इसको रीजन वन। तो समझो आप कि अगर पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, E2 है, E2, तो वो या तो रीजन वन में चल सकता है या फिर रीजन टू में चल सकता है, समझ गए? हाँ सर। वो डिपेंड करता है कि वो इनिशियली कहाँ था, अगर वो इनिशियली पोजीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो इनिशियली X2 पे था तो फिर वो इस रीजन में ऑसिलेट करेगा, मतलब इस रीजन में, समझे, रीजन वन में, और अगर वो इनिशियली कहाँ था, यहां या यहां था, क्योंकि यहां पे भी एनर्जी देखो E2 ही है, तो फिर वो इस रीजन में ऑसिलेट करेगा, समझ रहे? हाँ सर। हाँ सर, अभी बाद में लिख लेते हैं। हाँ बेटा क्लियर है? उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी ना, कहाँ पे? E2 पे ऑसिलेट करेगा तो। E2 पे नहीं बेटा, E2 पे अगर होगा वो, देखो E2 पे अगर है इनिशियली यहाँ पे है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी काइनेटिक एनर्जी। फिर इसके बाद जब वो कहाँ आएगा, नीचे यहाँ आएगा, मतलब नीचे आएगा मतलब यहाँ आएगा, तब क्या हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो रही, कम हो रही, काइनेटिक एनर्जी, तब काइनेटिक एनर्जी आएगी, समझ गए? हाँ। अब देखो रीजन टू क्लियर है ना? हाँ सर। मतलब ये केस टू लिख लोगे इसको तुम लोग खुद? हाँ सर लिख लेंगे, टाइम हो गया, हाँ। बाद में लिख लेंगे। चलो अब देखो थर्ड, इसका थर्ड पार्ट, अब मान लेते हैं ई बराबर कितना,
E3 मान लो, चलो E3 तो क्या होगा देखो जरा सर, अभी देखेंगे okay, अब तुम लोगों का इसमें टेस्ट हो रहा है, बताओ अच्छा अगर ये एनर्जी हो गई तो क्या होगा, कोई भी बता दे। वो पूरा करते हो राइट साइड में पूरा ऑसिलेट कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट छोड़ के राइट में कहीं भी जा सकता है। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी है इसके पास, इसकी टोटल एनर्जी जो है ना पूरे ग्राफ में देख लो, कहीं भी इसके बराबर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, है ना। पता है क्या होगा, पार्टिकल भागेगा यहां से, देखो यहां से मतलब ऐसे भागेगा, अरे यहां समझना, मैं यहां बताता हूं मतलब यहां समझना, ठीक है। तो पार्टिकल यहां से भागेगा, देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या हो जाएगी मिनिमम। अब देखो आगे भागेगा, फिर बताओ क्या होगा यहां पे, क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? होगी, यस होगी, क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी तो E3 थी, जबकि यहाँ तो एनर्जी उसकी मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो टोटल एनर्जी से यहाँ पे देखो कम है, तो फिर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी से भी ओवरकम कर जाएगा, इसको भी क्रॉस कर जाएगा, समझ गए। इसको भी क्रॉस करके देखो यहाँ पे तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास, तो अभी भी आगे भागेगा। अब देखो भागते ही रहेगा, यहाँ तक भी पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा, आगे ही भागता रहेगा वो, समझ गए, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाएगा। हाँ सर, पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ठीक है, अब तुम लोग आगे इसको होमवर्क है तुम्हारा, लिखना है पूरा। ओके सर, थैंक यू। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम लोग सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़ेंगे। सर वो वर्क पावर एनर्जी की असाइनमेंट भी डिस्कस करनी है ना, आपने जो भेजी थी वो। अब डिस्कस मैं लेक्चर में नहीं करूंगा उसको, उसमें करूंगा डिस्कस। सर उसके आंसर्स भेज दीजिएगा, वो चेक कर अभी।